हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.4 का एग्जांपल नंबर 3 स्टडी करेंगे, जिसके अंदर दो एग्जांपल दिए हुए हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है sin² 63 प्लस sin² 27 डिवाइड बाय cos² 17 प्लस cos² 73। हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, sin² 63 को वैसे का वैसा रखते हैं। sin² 63 प्लस क्या होगा, sin² 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, sin² 90 माइनस 63 लिख सकते हैं। और नीचे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 17 को वैसे का वैसा रखते हैं। कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 को कैसे लिखेंगे, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 63 वैसे का वैसा। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर थीटा क्या है, 63। और नीचे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर 17 वैसे का वैसा। कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर और थीटा कितना है हमारा, 17। तो एक पर क्या होगा, ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसमें थीटा की वैल्यू 63 है। और नीचे भी क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसमें थीटा की वैल्यू 17 है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो 1, और नीचे क्या आएगा, वो भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही है, तो क्या होगा, वो भी 1। तो इक्वल टू हम कैसे लिखेंगे, आंसर हमारा आएगा 1। ठीक है, तो बहुत ही छोटा एग्जांपल था। अभी हम एग्जांपल नंबर 2 स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हमको दिया हुआ है साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। तो अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू साइन 25 को वैसे का वैसा रखते हैं। साइन 25 इंटू कॉस 65 को हम कैसे लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 25 प्लस यहाँ पर कॉस 25 वैसे का वैसा, इंटू साइन 65 को हम कैसे लिखेंगे, साइन 90 माइनस 25 लिखेंगे। ठीक है, तो इक्वल टू क्या होगा, साइन 25 वैसे का वैसा। साइन 25 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो क्या होगा, साइन, और थीटा कितना है, 25 प्लस कॉस 25 वैसे का वैसा। कॉस 25 इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस यहाँ पर थीटा कितना है, 25 इक्वल टू क्या होगा, ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा कितना है, 25। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर 25 प्लस ये क्या है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर 25 इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो इक्वल टू होता है 1 के। तो ये क्या, 1 क्या आ गया हमारा आंसर। ये भी बहुत ही छोटा और सिंपल सा एग्जांपल था। तो अभी हम स्टडी करते हैं एग्जांपल 4, उसका पहला एग्जांपल, जिसके अंदर हमको दिया हुआ है 9 sec वर्ग a माइनस 9 tan वर्ग a। तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ से 9 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर हम 9 कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, sec वर्ग a माइनस tan स्क्वायर a। हमने जो फॉर्मूला स्टडी किया था, उसका दूसरा फॉर्मूला एक था, जिसके अंदर था sec वर्ग a माइनस tan वर्ग a इक्वल टू 1 होता है। तो 9 इंटू क्या होगा, ये 1 होगा, तो इक्वल टू हमारा आंसर क्या आएगा, 9। ये तो बहुत ही छोटा और सिंपल एग्जांपल था। एग्जांपल नंबर 2, जिसके अंदर हमको दिया हुआ है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू ये 1 को वैसे का वैसा रखते हैं। 1 प्लस tan थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, sin थीटा डिवाइड cos थीटा प्लस sec थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, 1 वैसे का वैसा प्लस cot थीटा क्या है, tan थीटा का उल्टा है, तो वो क्या होगा, sin थीटा बाय cos थीटा होता है। तो cot क्या होगा, cos थीटा बाय sin थीटा होगा, माइनस जो cosec थीटा किसका उल्टा है, तो वो sin थीटा का उल्टा है। तो क्या आएगा, 1 बाय sin थीटा। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू cos थीटा क्या लेते हैं, LCM लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे क्या आएगा, cos थीटा जो कि हमारा LCM है, और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई होगा, cos थीटा से, cos थीटा प्लस यहाँ पर नीचे ऑलरेडी cos थीटा और cos थीटा है, तो ऊपर का वैसा ही आएगा, sin थीटा प्लस 1। अब यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ sin थीटा आएगा हमारा LCM, तो क्या होगा, sin थीटा इंटू यहाँ पर क्या होगा, sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 होगा। तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो ऊपर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे जो है उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इक्वल टू क्या होगा,
नीचे सबसे पहले लिखते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और यहाँ पर ऊपर हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को अलग करते हैं हम, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये प्लस वन वैसे का वैसा। अभी हम क्या करते हैं यहाँ पर जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा उसको अलग करते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये क्या है माइनस वन है, ठीक है। तो इक्वल्स टू क्या होगा, ये क्या आ गया हमारा, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये प्लस वन और ये माइनस वन। हमारे पास रूल है, अगर हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए कहे और वन को बी कहे, और इसको भी ए कहे और इसको बी कहे, तो क्या होगा, ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, जिसका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ऐसा होगा। तो क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, और नीचे डिवाइड में क्या आएगा, ये जो है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए हम इसको अलग करते हैं, तो क्या होगा, इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है उसको हम अलग करेंगे, तो क्या होगा, सबसे पहले पहला का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस दूसरे का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू इंटू ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो क्या होगा, टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये क्या आएगा माइनस वन आएगा, वन का स्क्वायर वन ही होता है, और नीचे डिवाइड में क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा वैसे का वैसा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इक्वल टू क्या आएगा, हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है, तो वन प्लस ये टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वैसे का वैसा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस वन, और नीचे डिवाइड में क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे डिवाइड में क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में है और बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, टू आएगा। तो अभी हम स्टडी करते हैं एग्जाम्पल नंबर थ्री, जिसके अंदर हमको दिया हुआ है sec a प्लस tan a इंटू वन माइनस साइन a। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये sec a को हम कैसे लिख सकते हैं, वन बाय cos a लिख सकते हैं, प्लस tan a को कैसे लिख सकते हैं, साइन a बाय cos a, साइन a बाय cos a, और ये वन माइनस साइन a को हम वैसे का वैसा रखते हैं, वन माइनस साइन a। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, cos a को हम LCM लेते हैं, क्या होगा, नीचे cos a और 1 प्लस साइन a, और ये वाला 1 माइनस साइन a इंटू 1 माइनस साइन a, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस साइन a और 1 माइनस साइन a, यानी कि a प्लस b और a माइनस b, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का स्क्वायर, तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, वन का स्क्वायर होगा वन माइनस साइन ए का स्क्वायर, क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या आएगा, कॉस ए, ठीक है। वन माइनस साइन ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, देखिए हमने फॉर्मूला स्टडी किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता था, और ये क्या है, वन माइनस साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा वैसे का वैसा रखे, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। तो इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये वन माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो क्या होगा, cos स्क्वायर a, और नीचे डिवाइड में क्या आएगा, cos a वैसे का वैसा, तो यहाँ से एक cos a कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, cos a, जो कि क्या है हमारा आंसर, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर डी। करते हैं एग्जाम्पल नंबर फोर, जिसके अंदर हमको दिया हुआ वन प्लस टेन स्क्वायर है और डिवाइड बाय वन प्लस कॉट स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमने जो फॉर्मूला स्टडी किया था उसके अंदर ये एक फॉर्मूला था जिसमें क्या था, सेक वर्ग ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या था, वन था, और यहाँ पर क्या दिया है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर ये सेक वर्ग ए को हम ऑब्जेक्ट बनाए तो क्या होगा, इक्वल टू वन, और ये टेन स्क्वायर ए इस तरफ आ जाएगा, तो क्या होगा, ये माइनस है इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये क्या है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, जिसके इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, सेक वर्ग ए लिख सकते हैं,
और जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। हमने स्टडी किया था कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इक्वल्स टू हम 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक वर्ग ए लिख सकते हैं, सेक वर्ग ए। और नीचे डिवाइड में क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए। तो इक्वल्स टू सेक वर्ग ए की जगह हम और क्या लिख सकते हैं, सेक ए का उल्टा कौन सा है, यानी कि ऑपोजिट, वो एक कॉस ए। तो इसका उल्टा क्या होगा, 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए। और नीचे क्या आएगा, कॉसेक का उल्टा क्या है, साइन ए। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए। अब अगर हम तो इक्वल्स टू अभी क्या होगा, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, इसमें से साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा और कॉस स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 1 वैसे का वैसा रहेगा मल्टीप्लाइड बाय ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे का 1 वैसे का वैसा मल्टीप्लाई इनटू क्या होगा कॉस स्क्वायर ए नीचे आएगा, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। तो इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर ए और नीचे डिवाइड में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो इक्वल्स टू क्या आएगा, हमको पता है टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा है, तो वो क्या होगा टेन स्क्वायर ए होगा। तो आएगा हमारा आंसर नंबर डी।